गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन. मैं तो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ यार. मतलब बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं लेकिन वीकनेस मुझे आ रही है. एंड व्लॉगिंग बहुत मतलब ना के बराबर सी हो रही है, बिकॉज बच्चों को वो प्रेशर नहीं होता है बिल्कुल. मतलब एक छोटी एज में, तब थोड़ी एज बढ़ जाती है उसके बाद तो दे गेट द आइडिया कि भैया एग्ज़ाम्स है, पढ़ना है. उन लोग के लिए एग्ज़ाम के मतलब मेरे बच्चों के लिए तो एग्ज़ाम्स के डेज हो चाहे बिना एग्ज़ाम्स के, सब कॉमन है. मतलब उनको सब बराबर चाहिए. उस टाइम पे भी मतलब फ़न चाहिए, खेलना चाहिए, सब कुछ बराबर चाहिए. सो इस सारे चीज़ों में मेंटल प्रेशर कौन देता है? एक मदर ही देती है. यहाँ पे फादर मेंटल प्रेशर, मतलब जहाँ तक कि मेरी बात है, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल बच्चों के बारे में कुछ, जब से वो पैदा हुए हैं अभी तक उनको पढ़ाया लिखाया सब कुछ मैंने. वो मतलब उसका भी रीज़न ये है कि वो जो है गांव में पढ़े हुए हैं, जो मैं आपको अपना हमेशा ससुराल दिखाती हूँ. एंड अभी ये बच्चे जो हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा अंतर है गांव में पढ़ाया हुआ एंड अभी के में भी बहुत अंतर है. तो समवेयर उनको लगता है कि शायद मैं ये कोप नहीं कर पाऊँगा, इसलिए वो कभी इंटरेस्ट नहीं लेती. मैं बोलती कभी कभी डांट तो दिया करो बच्चों को. तो अगर फादर्स बच्चों को नहीं डांटते हैं ना, तो वो भी एक बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि बच्चों को मालूम है माँ तो जो है चिल्लाती रहेगी एंड पापा जो है सपोर्ट करते रहेंगे, तो हम अपने गलत काम जो है कंटिन्यू कर सकते हैं. तो मेरे साथ तो स्पेसिफिकली वो होता ही है. एंड अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इसलिए सुबह सुबह एकदम उठ के खाना बनाने की जल्दी नहीं है. नहीं तो आदित्य जैसे जितने बजे भी जाता है मॉर्निंग 7 बजे, तो सुबह 6 बजे उठ के फटाफट खाना वाना बनाना पड़ता है उसके लिए. तो अभी एग्ज़ाम के बाद जो है 11:30-12 तक आ जाता है, तब उसको उसके लिए बना सकते हैं. तो अभी 10 बज रहे हैं. मिस्ड कॉल्स बीच में कितने सारे, इतने सारे जो है लोग कॉल करते रहते हैं. हाँ, खाना भी बनाना है. तो मैं ये बोल रही थी कि जो सब्जियां हैं ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं. मैं अभी फ्रिज भी दिखाऊंगी आपको, फ्रिज की हालत भी एकदम ख़राब है. कितने दिन से सोच रही हूँ फ्रिज साफ़ करना है, वो भी नहीं हो रहा है. एंड 2-3 दिन से जुगाड़ लगा रही थी मैं, वो जो होता है जो है उससे बना लेते हैं. होता है ना कभी कभी सब्जियां ख़त्म हो जाती है, बट यू डोंट ऑर्डर, कि जितने दिन जुगाड़ चल रहा है चला लेते हैं. तो सब्जियां भी ऑर्डर करना है, दूध के पैकेट्स भी ऑर्डर करने हैं. एंड देर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच आई नीड टू ऑर्डर. मैं ऑर्डर कर रही हूँ स्विगी इंस्टामार्ट से, दिखाती हूँ. यहाँ देखो स्विगी इंस्टामार्ट, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है. सो स्विगी इंस्टामार्ट जो है स्विगी ऐप में ही अवेलेबल है, एंड आप कुछ भी ऑर्डर करो बहुत क्विकली आपके पास आ जाता है. तो मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ और उसके बाद आई विल जस्ट गो फॉर माय प्रेयर. पहले इतना रेगुलर नहीं थी. टमाटर भी ख़त्म, प्याज तो है 1-2. सो लेट मी ऑर्डर एंड उसके बाद आपसे मिलती हूँ. चलो ऑर्डर कर देती हूँ एंड लेट मी फिनिश माई प्रेयर एंड चलो कैच यू लेटर. कब कैच यू लेटर पता नहीं. अभी ये आएंगे स्कूल से बच्चे, उनको खाना परोसना है एंड सारे प्रोसेस में ऐसे ऐसे हो जाएगा सब. चलो खराब है. हाय एवरीवन, गुड इवनिंग. अभी वॉक पे जा रहे, कल भी वॉकिंग गए थे, कल भी व्लॉग नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी बहुत. मैं एक्चुअली कल मेरे को लग रहा था कि मैं ड्रॉप हो जाऊँ. वीकली वंस ये आपको एक बार पक्का जो है ब्रेक ले लेना चाहिए. तो ब्रेक हमारा ऑलरेडी ख़त्म हो गया था एंड क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी, इस वजह से जो टायर्डनेस आ रही थी ना, उसकी वजह से लग रहा था कि भाई आज नहीं जाते वॉकिंग, नहीं जाते. देन ना करते हाँ हो गई टाइम. फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, बर्न करनी है कैलरीज. चलो स्पीड इतना नहीं चलेंगे, धीरे चलेंगे करके कपड़े पहने एंड जाके आ गए वॉक. सो बहुत सारी बार जो है आपकी जो फिजिकल कंडीशन है कभी कभी जवाब दे जाती है. एंड अगर आपको लगता है, देन आई एनालाइज की अगर मैं अभी जाऊंगी भी नहीं तो क्या करूंगी मैं यहाँ पे. क्योंकि अगर आप लेटे पड़े हो तो आप क्या करते हो, बस फिर कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करते हो. अगर आप एक जगह फ्लॉप हो जाते हो ना, आप बाकी चीज़ों में भी कुछ नहीं करोगे. आप बेड पे लेटे रहोगे एंड देन इंस्टाग्राम एक चीज़ है जहाँ पे आपके ऐवें ही 2 घंटे निकल जाएंगे अगर आप स्वाइप करना शुरू कर दो. तो आई वॉज लाइक कि अगर मैं लेटूंगी, मतलब आई रीप्रोसेस्ड माई माइंड,
मैंने सोचा कि अच्छा अभी मैं नहीं जाऊंगी, यहाँ पे लेटूंगी तो मैं क्या करूंगी क्या करूंगी। ऐसा तो नहीं है ना कि उठ के खाना बनाना शुरू कर दूंगी या कुछ रेसिपीज बना, कुछ नहीं करूंगी, हाथ में फ़ोन रहेगा तो अगेन आई विल वेस्ट द टाइम। तो आई थॉट कि बेशक टायर्डनेस है उसको ऐसे लेट के बिगाड़ने से अच्छा जाके वॉक करके आ जाते, करके वॉक करके आ गए। एंड अभी दोबारा वॉक पे जाना है। एक्चुअली जूड़ा बूढ़ा बना के रखा था तो बाल देखो कैसे हो रखे, झाड़ू हो गए। और ये पूरे जब वॉकिंग हो जाती ना तो ये पूरे के पूरे इसके यहाँ से पानी ऐसे ऐसे टपकता रहे। एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, ये रास्ते में है, सो आते के बाद तुरंत ही स्टार्ट हो जाएंगे। अदरवाइज़ जो है थोड़ा भी लेट हो रहा है ना, ज़्यादा थोड़ा सा मतलब डार्क हो जाता है जैसे ही, क्योंकि 6 बजे के बाद फिर वो अंधेरा होना से शुरू हो जाता है और मच्छर इतने भयानक तरीके से वहाँ फिर काटना शुरू कर देते हैं। वॉकिंग करते टाइम तो इतना पता नहीं चलता है, लेकिन जब उसके बाद कार्डियो और स्ट्रेंथ करने के लिए यहाँ पे आते हैं तो मच्छर जो है मुँह पे आके चिपक जाते हैं। दूसरी चीज़ चिपकना मुँह पे या बॉडी पे आके चिपकना दूसरी चीज़ है। मैं फ़ोन कहीं पर रखती हूँ तो फ़ोन के ऊपर भी ऐसे भिनभिना के फ़ोन को पकड़ ले रहे हैं, फ़ोन में से क्या चूसेंगे बताइए, है ना। मतलब वो डेटा जो हम लोग ले रहे हैं ये भी लेने की कोशिश कर रहे होंगे मच्छर, जो उसका पार्ट। सो इसीलिए पहले से रेडी हो गई हूँ मैं कि आने के बाद जो है सीधा निकल जाए। एंड इनको आने में अभी 10 मिनट और लगेंगे, तो अंधेरा तो हो ही जाएगा, बट स्टिल थोड़ा जल्दी ख़त्म होगा तो रात का जो है रैप अप जल्दी होता है। अगर रात को और भी ज़्यादा लेट हो जाता है ना, कभी कभी क्या होता है ये आते आते 7 बजा देते हैं, फिर हम लोग 7-7:30 बजे निकलते हैं तो हमको घर पे वॉकिंग करके आने तक 9 बज जाता है। तो इनके ऊपर डिपेंड रहता है। मैं बोलती हूँ आप अपना कर लेना, मैं अपना कर ले, बोलते नहीं मेरे को तो भाई तेरे साथ ही करना है, मैं अकेले नहीं करूँगा, मेरे को मूड नहीं आता है, मेरे को कंपनी चाहिए करके। सो इसलिए इनके लिए मुझे रुकना पड़ता है, अदरवाइज़ मैं तो 4 बजे जाके वापस आ जाऊँ 5 बजे तक। सो घर घर की कहानी है कि नहीं, आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं, अगर आप कुछ काम करते हो ना तो किसी किसी चीज़ में, जैसे वाइफ को हस्बैंड की कंपनी पक्का चाहिए, हस्बैंड को वाइफ की कंपनी पक्का चाहिए, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग, बट कभी कभी लगता है यार अपना जो रूटीन है कि वेट करने के चक्कर में थोड़ा सा मिस आउट हो रहा है। बहुत ज़्यादा बातें हो गई ना, चलो अभी आने मैं शूज़ वूज पहन के रेडी हो जाती हूँ। एंड एक्चुअली शाम की चाय हम लोग पीते हैं, तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम, अगर टाइम जल्दी रेडी होके रखें तो चाय पी के जाते, अदरवाइज़ लेट होता है तो फिर आके पीते हैं। अगर वो आके पीने वाला 9 बजा देता है तब तो नहीं पीते, 9 बजे के आसपास, 7 बजे के अंदर वाला, 7 बजे के 7:30 बजे तक मैक्सिमम, उस टाइम तक पी लेते हैं। सो इन द वेट लॉस जर्नी इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको सब कुछ त्याग देना, यू कैन हैव एवरीथिंग बट इन पोर्शन कंट्रोल और कैलोरी डेफिसिट, विच आई टाइम एंड अगेन मैं बोलती रहती हूँ वो चीज़। एंड हर्बल लाइफ के लिए जिसको भी गाइडेंस चाहिए, मैं बोल रही थी कि मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने ये भी हमेशा बोला है कि वही मुझे कांटेक्ट करे, जो मैंने मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद वहाँ जो वीडियो दिया हुआ है उसके थ्रू आप मुझे उस वीडियो के थ्रू जब आप अपनी आईडी बना लेते हैं तब मैं आपकी कोच बनती हूँ, ठीक है। आप कहीं और से प्रोडक्ट लेके या किसी और के अंडर अगर आप आईडी बनाते हैं, या आपको आईडी बनाना अगर नहीं पता है, ऐसा कुछ है आपको आईडी बनाना नहीं आता है और आपके कोई कोच नहीं है, तो देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। लेकिन आप ऑलरेडी प्रोडक्ट कहीं से लेके बैठ गए और स्टार्ट करके भी आपको कुछ टाइम हो गया, या तो आपके पास इनिशियली प्रोडक्ट है, मुझसे बात करने से पहले आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है, तो आपने जिनसे लिया है इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड यू एंड इट्स योर ड्यूटी टू आस्क देम रादर देन आस्किंग मी, क्योंकि मैं इतने सारे सवालों का आंसर नहीं कर सकती कि आप भाई आपको बहुत सारे लोग क्या होते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए कॉल करते हैं, हमने शुरू कर दिया है, हमारे कोच ने ऐसा बोला है, आपकी वीडियो अच्छी लगी इसलिए हम आपसे भी पूछ रहे हैं। आप अपने कोच पे भरोसा रखिए, जो आपके कोच बता रहे हैं सही बताएंगे, गलत किस लिए बताएंगे, क्योंकि हर किसी के बॉडी टाइप के हिसाब से बताना होता है। तो कोच पे भरोसा रखिए, और एक बार आपने स्टार्ट कर दिया है तो उनके साथ स्टिक रहिए, एंड मेक श्योर दैट यू परचेज ओनली आफ्टर क्रिएटिंग आईडी। विदाउट आईडी आपको प्रोडक्ट्स लेने ही नहीं है, आईडी बनाना है उसके थ्रू प्रोडक्ट्स लेना है। और मुझे आप एज अ कोच चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। नाउ हियर अनदर थिंग विच यू नीड टू कंसिडर, कि जो मैंने फ़ोन नंबर दिया है उस पर आप पहले व्हाट्सअप करें, जब आपकी आईडी बन जाएगी और उसके थ्रू आप प्रोडक्ट्स ले लेंगे उसके बाद माई गाइडेंस विल स्टार्ट, ठीक है। और उसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सअप में वॉइस मैसेज छोड़िए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा कोई ना कोई टाइम पे विद इन 24 आवर्स, ठीक है। क्योंकि हर एक के कॉल अटेंड करके आंसर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, हर एक दिन 100-100 कॉल्स आ रही हैं, मैं इतनी ज़्यादा कॉल्स को हैंडल नहीं कर सकती, बिकॉज आई एम अलोन। मेरा ऐसा कोई नहीं है कि मैंने कोई टीम बना के रखी हो कि
मेरी जगह पे कोई और आंसर कर देगा, आई हैव टू आंसर यू. सो यू हैव टू कीप दिस पक्का इन माइंड कि आपको जो मैंने नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप करना है वॉइस रिकॉर्डिंग. आप हाई बोल के छोड़ दोगे तो आगे क्या आपका मोटिव क्या है हाई करने का वो मुझे पता नहीं लगेगा ना. तो वॉइस नोट भेजिए, वो वॉइस नोट को मैं सुन के आपको रिप्लाई कर दूंगी इन वॉइस इटसेल्फ. एंड वही मुझे कॉन्टैक्ट करें जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है, हु वॉन्ट टू स्टार्ट. ओके, एंड मैं उन्हीं को गाइड करूंगी जिनकी मैं कोच बनूंगी. वो कोच कैसे मैं बनूंगी आपकी, जब आप आईडी बनाएंगे तो कंपनी एज अ कोच मुझे आपको अलाउट करेगी, तब मैं आपको गाइड करने के लिए सक्षम हूँ. ठीक है. सो बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, नंबर दिया है करके इतने लोग कॉल कर रहे हैं, इतने लोग कॉल कर रहे हैं. मैं ऑलरेडी काफ़ी लोगों को गाइड कर रही हूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू एंटरटेन एवरी पर्सन अननेसेसरली, है ना. जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं प्लीज़ यू फॉलो योर कोच. ठीक है, जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है एंड आईडी बनाने के लिए ही परचेज करने के लिए बोली, क्योंकि आईडी के थ्रू आपको जेन्युइन प्रोडक्ट मिलता है, फ्रेश प्रोडक्ट मिलता है. एंड आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आप जो भी अपने पेट के अंदर डालते हैं दैट हैज़ टू बी वेरी वेरी फ्रेश. ठीक है, आप किसी से भी मत लीजिए. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हमारे नज़दीक में बाजू वाला हमारी नेबर बेच रही है, कोई और बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई किसी से नहीं लेना. आप ओनली अपनी आईडी बनाइए. आईडी बनाने का जो लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो ही दिया हुआ है, अच्छा खासा बहुत ही डिटेल में एरो एरो करा के दिखाया हुआ है कि यहाँ क्लिक करो, फिर ये करो, फिर वो करो. ठीक है, तो वहाँ पे आईडी जब आप बनाओगे आपका नाम, पता, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ जैसा आधार कार्ड पे रहता है वैसा डाल देना है, प्लस जो स्पॉन्सर डिटेल्स है जो वीडियो में दी हुई है वो मेरी डिटेल्स है, बिकॉज मैं आपकी, अगर आप मुझे एज अ कोच चाहते तो वहाँ पे स्पॉन्सर डिटेल्स जो डाल रखी है वो आप भर देना. एंड उसके बाद यू कैन यू नो सता सकते हो मुझे जितना चाहिए, आपके जितने भी सवाल है आई विल आंसर. सो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इस चीज़ को क्लियर करूँ या सेपरेट वीडियो बनाऊँ, बट अभी याद आया तो मैंने बोल दिया, इतनी देर बात हो गई है ना. चलो फिर अभी वॉक पे जाते हैं. सो नाउ आई एम ऑल सेट फॉर वॉकिंग. गाने सुनते सुनते जब आप वॉकिंग करते हो ना आपको पता ही नहीं लगता है कि कैसा चल रहा है. सो लेट्स टॉक लेस एंड डू मोर एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.